एंड सीएनजी कार में ये भाई सिलेंडर बहुत ज़रूरी है। ये देखो इसमें कोई भी म्यूज़िक सिस्टम नहीं लगा हुआ है। क्या आप अपने लिए एक बेस्ट सीएनजी कार की तलाश कर रहे हो और आप कन्फ्यूज्ड हो टाटा की नेक्सॉन, अल्ट्रोज, सुजुकी की ब्रीजा और टोयोटा की अर्बन क्रूज़र टाइजर के बीच में, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अभी अपने साथ में है टोयोटा की अर्बन क्रूज़र टाइजर एंड ये इसका ECNG वेरिएंट है। आज की इस वीडियो में इसका डिटेल वॉक अराउंड करने वाले हैं एंड जान लेते हैं कंपनी इसमें क्या कुछ ऑफर हमको कर रही है, सेगमेंट में क्या हमको इस कार की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्क्रिप्ट के पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कलर की। कलर इसमें आपको मल्टीपल्स मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी चाबी की। कंपनी इसके साथ में कुछ इस तरीके की दो चाबियां ऑफर कर रही है। अच्छी बात यह है कि अपन को दोनों ही चाबियों में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मिल जाता है जिसमें लॉक अनलॉक का बटन मिलता है। नॉर्मल की है लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों में ही बटन्स मिलते हैं। इधर ये टोयोटा का लोगो मिल जाता है। आइए बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इसकी लेंथ है 3.995 मीटर की, विड्थ है 1.76 मीटर की, इसकी हाइट है 1.55 मीटर की। इसमें अपन को ग्राउंड क्लियरेंस 190 एमएम का मिलता है और व्हील बेस है 2520 एमएम का। फ्रंट से प्रोफाइल इसकी कुछ इस तरीके की है। सेंटर में टोयोटा का लोगो मिल जाता है एंड यहां पर ये स्मार्टली क्रोम का यूज़ किया गया है। इधर ये हेडलाइट नीचे दी गई है, प्रोजेक्ट है हेलोजन बल्ब के साथ में। यहाँ पर ये पायलट लैंप्स, सैटर्न इंडिकेटर, ये हेलोजन में है। ये देखिएगा अगेन यहाँ पर सेम पैटर्न फॉलो किया गया है। फ्रंट ग्रिल का पैटर्न कुछ ऐसा है, फ्रंट स्किड प्लेट, फ्रंट बम्पर कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में है। एंड जो ये स्किड प्लेट है ये देखो, ये अपन को ग्रे कलर में मिलती है। फ्रंट बोनट का पैटर्न कुछ ऐसा है, यहाँ पर ये एजेस मिल जाते हैं साइड में। फ्रंट विंडशील्ड काफ़ी बड़ी इसमें दी गई है एंड यहाँ पर ये देखो वॉशर वाइपर्स मिलते हैं। एंड यहाँ पर ये फेंडर पर सैटर्न इंडिकेटर हेलोजन बल्ब में दिए गए हैं। फ्रंट व्हील आर्च कुछ इस तरीके के पैटर्न में है, थोड़ा सा स्क्वायर यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है। बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन की। फ्रंट में कंपनी ने मैकपर्सन स्टर कॉइल बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की। फ्रंट में कंपनी ने मैकपर्सन स्टर सस्पेंशन लगा कर दिए हैं एंड फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम ABS इसमें स्टील व्हील मिलता है जो कि है 16 इंचेस का। टायर की अगर बात की जाए गुडसियर के बेस्ट क्वालिटी के इसमें ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं। प्रोफाइल है 195/60R16। टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की हैं। यहाँ पर ये व्हील कवर लगा हुआ है। इधर ये टोयोटा की ब्रांडिंग। मैनुअल फोल्डेबल इसमें वार भी मिलते हैं, ये रफ ब्लैक कलर में है। ग्लास का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। ड्राइवर साइड इधर ये चाबी लगाने का सेक्शन, डोर क्लैडिंग कुछ ऐसी हैं। रूफ रेल्स ये देखिएगा, इधर ये शार्क फिन एंटीना, छोटा सा क्वार्टर ग्लास। डोर हैंडल जो है ये अपन को रफ ब्लैक में मिलते हैं इस वाले वेरियंट में। बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने ट्विस्ट बीम लगा कर दिए हैं एंड अगेन सेम प्रोफाइल है 195/60R16 गुडसियर के ट्यूबलेस टायर। एंड रियर में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम इसमें दिया गया है। लेफ्ट साइड में फ्यूल लिड दिया गया है एंड इसमें 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। डेजर की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। यहाँ पर ये देखिएगा सेंटर में टोयोटा का लोगो मिल जाता है। टेल लाइट LED में दी गई है, साइड टर्न इंडिकेटर भी LED में मिलते हैं। राइट साइड में ई की बैजिंग मिल जाती है। लेफ्ट साइड में अर्बन क्रूज़र टाइजर की ब्रांडिंग। रियर में अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स, इधर ये रिफ्लेक्टर, रियर बम्पर, रियर स्किड प्लेट, इसका पैटर्न कुछ इस तरीके का है। एंड हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दी गई है। विंडशील्ड पर अपन को डिफॉगर मिलता है, कोई भी वाइपर इसमें नहीं मिलता है। इधर ये लेफ्ट साइड में CNG की ब्रांडिंग है। आइए इंटीरियर देखते हैं। ड्राइवर डोर जो है लगभग 80 डिग्री के आसपास ओपन होता है। डुअल टोन में इंटीरियर दिया गया है। सॉफ्ट टच ये देखो फैब्रिक वाला इसमें दिया गया है, लेदरेट नहीं है, अच्छी बात है। सॉफ्ट टच तो है यार कम से कम।
ये देखो, ये अपन को हैंडल ब्लैक कलर में मिलता है। यहाँ पर ये सभी कंट्रोल बटन्स मिल जाते हैं। वार बीम कंट्रोल जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। इसको आपको शायद मैनुअली ही करना होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये देखो बोतल होल्डर, इधर ये इतना स्पेस, इधर ये एक स्पीकर मिल जाता है। ये देखो ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट के साथ में नहीं है, रिक्लाइन कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। डुअल टोन में फैब्रिक सीट इसमें दी गई है। नीचे की तरफ ABC पैडल्स, इधर ये बोनट ओपन करने के लिए, फील्ड ओपन करने के लिए, इधर ये स्पेस मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल, CNG एंड फ्यूल में शिफ्ट करने के लिए, हेड लाइट लेवलर, 5 स्टेप इसमें एडजस्टेबल मिलती हैं। ये रहा AC वेंट, एकदम इसमें लैम्बो जैसा दे दिया सिस्टम, ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखो डैशबोर्ड, स्टेयरिंग व्हील का पैटर्न कुछ जिस तरीके का है, ये देखो। इधर ये टोयोटा का लोगो मिल जाता है। लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल लीवर, राइट साइड में लाइट कंट्रोल लीवर एंड डैशबोर्ड कुछ ऐसा है। राइट साइड में इधर ये इग्निशन दिया गया है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ जिस तरीके से होती है। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। लेफ्ट साइड में RPM मीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर, सेंटर में MID मिलती है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती हैं। यहाँ से अपन ये देखो ट्रिप देख सकते हैं, AB ऑडोमीटर, फ्यूल गेज, CNG, इंजन टेम्परेचर, पेट्रोल CNG लिखकर आएगा वो, एंड और भी बहुत कुछ अपन इसमें देख सकते हैं। सेंटर में ये टोयोटा का लोगो, ये देखो इसमें कोई भी म्यूज़िक सिस्टम नहीं लगा हुआ है, आपको एज एसरीज इसमें फिट कराना होगा। को ड्राइवर साइड डोर, ग्रैब हैंडल, वैनिटी मिरर इसमें नहीं है, सनसेट दिया गया है। ये देखो IRVM मैनुअल डिमिंग के साथ में है। इधर ये सनसेट, नो टिकट होल्डर, नो वैनिटी मिरर, डुअल टोन में इंटीरियर, इधर ये ग्लॉसी, इधर ये मैट, इधर ये रफ। ग्लव बॉक्स डीप स्पेस के साथ में है। एंड यहाँ पर ये AC कंट्रोल यूनिट पूरा लगा हुआ है। लेफ्ट साइड में 12 वोल्ट का पोर्ट, और कोई भी पोर्ट नहीं है। 2 कप होल्डर्स इधर ये दिए गए हैं, ये देखो। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स। ये रहा इसका हैंड ब्रेक। हेडरेस्ट एडजस्टेबल दिया गया है, ये देखो। कंफर्ट की अगर बात की जाए तो कंफर्ट तो है इस कार में, एंड इसी के साथ साथ मुझे केवल इसमें म्यूज़िक सिस्टम का ही थोड़ा लगा है कि नहीं है, होना चाहिए था। लेकिन आप इसमें एज एसरीज फिट करा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फर्स्ट रो मैंने आपको दिखा दी जो भी है सब कुछ। चलते हैं इसकी सेकेंड रो में, देखते हैं वहाँ क्या कुछ मिलता है। और हाँ, यहाँ पर कोई भी कंट्रोल्स अपन को नहीं मिलते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील पर। सेकेंड रो, एंड यहाँ पर भी अगेन डुअल टोन, विंडो बटन मिल जाता है, बोतल होल्डर, इतना स्पेस, इधर ये स्पीकर के लिए, इधर ये स्पीकर के लिए वेंट किया गया है। अंदर स्पीकर है या नहीं, बेस मॉडल है, बताओ ज़रा। एंड यहाँ पर ये देखो डुअल टोन, 3 सीट बेल्ट्स प्रॉपर मिल रही हैं, ये अच्छी बात है। चलो अंदर बैठ जाते हैं, आराम से पैर आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड CNG कार में ये भाई सिलेंडर बहुत ज़रूरी है ना। यहाँ पर 12 वोल्ट का पोर्ट, यार ये सही है यार, आगे भी पीछे भी दोनों जगह दे दिया। इधर ये लाइट मिल जाती है, आगे लाइट नहीं मिलती है, सनग्लास होल्डर नहीं है। ये देखो ग्रैब हैंडल, इधर ग्रैब हैंडल इधर भी है, इधर ये कोट हुक है। एंड इस साइड देखो 3 हेडरेस्ट इसमें मिल जाते हैं, है ना, लेकिन कोई भी इसमें आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है, प्रॉपर 3 सीट बेल्ट। सेकेंड रो में अगर कंफर्ट की बात की जाए तो कंफर्ट तो है, नो डाउट। एंड इसी के साथ साथ हेडरूम भी आप देख सकते हैं ठीक ठाक मिल जाता है, लेग रूम भी ठीक ठाक है। आइए बाहर निकलते हैं, इसका टेलगेट ओपन करते हैं, देखते हैं वहाँ कितना कुछ अपन को स्पेस मिल रहा है। कंपनी कह रही है काफ़ी अच्छा स्पेस है, चलो देख लेते हैं। टेलगेट ओपन करने के लिए यहाँ पर ये बटन, हाँ जी, एंड
ये रहा इसका CNG सिलेंडर, ये रहा इसका स्पेयर व्हील जो कि बेल्ट से कसा हुआ है, गुड्स गियर का ही है, टायर कवरिंग करके दी है एंड स्पेस इसमें इतना अपन को मिल जाता है। ये देखो ये सीट फोल्ड हो जाएंगी तो स्पेस अपन को ठीक ठाक मिल जाएगा, बाकी का इतना स्पेस है अपन में इधर मिल जाता है एंड इसके ऊपर रख सकते हैं। चलो बंद करते हैं इसको, इंजन देख लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर ये रहा इसका 1.2 लीटर का K सीरीज़ का डुअल जेट BS6 FI 4 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन। इसकी इंजन की मैक्सिमम पावर है 76.43 BHP की 6000 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 98.5 न्यूटन मीटर का 4300 RPM पर। कुछ इस तरीके से इसकी इंसुलेशन है, ये देखिएगा ऊपर नीचे से कवरिंग करके दी है ये देखो, एंड इसमें किस कंपनी की बैटरी दी है बताओ जरा, पता हो तो, ऐसे तो नहीं दिख रहा है यार, आई थिंक एक्साइड की होगी। एंड यहाँ पर प्रॉपर इंस्टॉलेशन जिसकी वजह से इंजन नॉइज जो है केबिन में ना जाए। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। टोयोटा कंपनी अपनी इस नई कार पर 3 साल और 1 लाख किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। माइलेज की अगर बात की जाए CNG में कंपनी क्लेम कर रही है लगभग 28 के आसपास ये निकाल कर दे देगी, यदि आप अच्छे से चलाओगे तो आप 30 भी इससे निकाल सकते हो। क्या बात है यार, ज़बरदस्त, मज़े ही आ जाता है ना जो लोग 30 का माइलेज लेके चल रहे होते हैं, उन्हें कोई ज़्यादा टेंशन ही नहीं होती। बात कर लेते हैं इसके सभी वेरियंट्स की और उनकी प्राइस की। इसमें भाई मल्टीपल वेरियंट्स आते हैं, इसकी एक्सरूम स्टार्टिंग हो जाती है 7,74,000 रुपये से और टॉप एंड वेरियंट में तो ये आपको मिल जाएगी लगभग 13 लाख के आसपास। एंड जो मैंने आपको ये वाला वेरियंट दिखाया है इसकी एक्सरूम प्राइस है 8,71,000 रुपये, ऑन रोड आते आते ये आपको 9,85,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आपके केवल रफ आइडिया ही मानिएगा क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस कार से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इस कार से संबंधित आपकी क्या राय है, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, फटाफट से लाइक कर दो यार, मैक्सिमम शेयर कर दो। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है कमेंट करना ना भूलिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड FB पर फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।